जट कहता थूक तो नहीं पीना चाहिए था ना आपको ये जूस। ओए, इसमें जहर तो नहीं मिलाया तूने? काश मिला होता। अच्छा, समझ गई, तू मुझे मारना चाहती है मीसनी चड़ेल। मीसनी नहीं, खूबसूरत हूँ मैं। हाँ खूबसूरत है, पर है ते चड़ेल ना। चल निकल मेरे बवर्ची खाने से, गेट आउट। ये जूस मेरा था आंटी। पर ग्लास तो मेरा है ना। ऐसे आप बहुत नदीदी है। तूने मुझे नदीदी कहा? मैं अपने बर्ची खाने में जो दिल करेगा वो खाऊं पीऊंगी। आपका किचन हम भी शेयर करते हैं। ओए, सवेरे सवेरे मेरे मुंह ना लगी, मैंने ना कपड़ा गिल्ला करके ते तेरे मुंह पे मल के सारा मेकअप पूंछ देना तेरा। मैं मेकअप करती नहीं हूँ आंटी। चल झूठी मकार। अब आप हदे पार कर रही हैं। ओए, मैंने पूरा समुंदर पार कर लेना, क्या कर लेगी तू? मैं बाद में देखूंगी आपको आंटी। हाँ देख देख, मैं हूँ इतनी हसीन, लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं मुझे। माँ जी, आपको पता है जोजी आंटी ने कितनी बेइज्जती की है मेरे नीचे? ओए, तूने बताया नहीं उसको कि तेरी बेइज्जती तो सिर्फ मैं कर सकती हूँ जमीला? बहुत गुस्सा चढ़ा बच्चा, दिल चाह रहा है सर तोड़ दूँ। होशाबाश। ओए, तू मेरी जान लेना चाहती है, हालांकि मैं तो तुझे अपनी सकी सौतन समझती रही। बहू माजी। हाँ हाँ, मैं तुझे अपनी बहू की सौतन समझती रही हूँ सनम। माजी, मैं आपकी नहीं जोजी आंटी की बात कर रही हूँ। बहुत बेइज्जती की है उन्होंने मेरी, मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। आप ना, तो तू अब क्या करेगी रुखसाना? अगर अब उन्होंने कोई गड़बड़ की ना, तो मैं उन्हें सिखाऊंगी सबक। ना कौन सा सबक, अंग्रेजी का या हिसाब का था आपका? खूबसूरत खूबसूरत, वो जो जोजी जी है ना, तुम्हारी कुछ चीजें नीचे आई हैं, उन्हें खोलने की ना कोशिश कर रही हैं। मैंने उन्हें कहा भी है कि हो सकता है खूबसूरत के पापा ने कुछ भेजा हो, लाओ मैं खूबसूरत को दे देता हूँ, मगर नहीं, वो सुनने को तैयार ही नहीं है। बस अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्यों, झूले में कीले लगी हुई है क्या? ओ माँ जी, मैं जोजी आंटी को बर्दाश्त नहीं कर सकती, कोई एक्शन लेना पड़ेगा। जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी। दो वाला फूल लग रहा है इसको। अरे अरे अरे, आप इन्हें नहीं खोल सकती। ना क्यों नहीं खोल सकती, बम है इसमें। क्योंकि मेरे पापा ने भेजे हैं ये। हाँ, तो तेरे प्यो ने बम भेजे ना, तेरा प्यो दहशत गर्द जबे। मेरे पापा के बारे में आप कुछ नहीं कह सकती? ओए कुछ क्या, मैं तो बहुत कुछ कहूंगी। देखिए आंटी, सीधी तरह आप मेरी चीजें वापस कर दें, वरना। वरना क्या कर लेगी तू? वरना मैं खुद आपसे ये छीन लूंगी। ओए, तेरी ये जुर्रत चूंटी है मेरा पक्की की। अरे बेगम, ये क्या कर दिया आपने? मैंने तो कुछ नहीं किया मुस्तकीम। आपके हाथ में जो गुलदान है, ये चीख चीख कर कह रहा है कि ये वारदात आप ही के हाथों सरंजाम पाई है, और वो भी बड़ी सफाकी से। हम क्या करें मुस्तकीम? अरे भाई, करेंगे क्या, आपके लिए कोई बहुत बड़ा अच्छा वकील करेंगे, तगड़ा सा, ताकि आपको कम से कम सजा हो। सजाए मौत तो हम आपको होने नहीं देंगे, क्योंकि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। सजा? भाई बेगम, कत्ल का मामला है, सजा तो खैर होगी, उम्र कैद तक चलेगी। मुस्तकीम, मुझे बचा लो, इस लाश को की ठिकाने ला दे। अरे बेगम, अपने आप को संभालिए, अल्लाह जानता है आप रोती हुई बहुत बुरी लगती हैं। अच्छा सुनिए, अब हम इनको उठाने लगे हैं, आपको कसम है जो आपने हमारी मदद करने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मुस्तकीम, आइए फिर, आइए आइए, चले चले, उठाए इनको, उठाए, उठाइए। आपने मुझे बैग बनाना है? अरे ये लड़कियों के इस्तेमाल के बैग है, तुम कोई अपनी उम्र के हिसाब से देखो ना और दिखाओ। नहीं, इसमें तीन पॉकेट और एक चैन है। अरे बेचैन रू, तुम चैन करो कुछ, दिखाओ कोई और। खूबसूरत खूबसूरत। हाँ जी पुत्र, क्या बात है? अरे भाई, वो खूबसूरत को बुला रहा है। हाँ तो इस घर में मुझसे ज्यादा और कौन खूबसूरत है बताएं दलावर? महमूद। कौन महमूद? अरे भाई, मैं महमूद, और कौन? ओ भाई, मैं खूबसूरत को, अपनी बीवी को, अपनी जौजा को आवाजें दे रहा हूँ। अरे भाई, वो तो नीचे गई थी जो जी से लड़ने के लिए। देख ले पुत्र, तेरी बीवी कितनी लड़ाकी है। हाँ बात। ओ यार, आपने अकेले भेज दिया मेरी बीवी को लड़ने के लिए? वो जोजी बाजी को आप नहीं जानते? वो इस कसम के ताने
देगी कि उसके कानों से धुआं निकलना शुरू हो जा रहा है। वैसे नबील एक बात बताऊं तुम्हें, खूबसूरत थी बहुत गुस्से में। हाँ जी। अरे जाओ ना जाके देखो, हो सकता है अभी लड़ाई ना चल रही हो उनकी। सही कहा महमूद साहब, कहीं जोजी बाजी जो है वो खूबसूरत को चपेड़े ही ना करा दे, वो तो एक आधी चपेड़ की मार है जोजी बाजी की। हाथ काफी भारी है। तुम्हें तो अंदाजा होगा इसको दो चार दफा पड़ चुका है। तुम्हें क्रीम ना बैठ रही खूबसूरत खूबसूरत कहाँ हो भाई? मुस्तकीम साहब, वो निकी जी टी शर्ट डालते आवाजा देता है नीचे आ गया, आप क्या करें? अरे बेगम, हमारा मशवरा मानिए, आप एक बार ही जुर्म कर लीजिए, हो सकता है इससे आपकी 8-10 साल सजा कम हो जाए। हाँ मुस्तकीम, मैंने जेल नहीं जाना, मुझे नहीं अच्छी लगती। एक काम करो ना, कत्ल का इल्जाम अपने सर ले लो ना। क्या बेगम, चक्की हमें पीसनी नहीं आती, हम जेल में जाके क्या करेंगे, बेकार पड़े रहेंगे। आप ऐसा कीजिए, इकबाले जुर्म कर लीजिए, हम दोबारा आपसे कह रहे हैं, वरना इस बेगुनाह की रूह आपको डराती रहेगी ख्वाबों में। आप नहीं जानू, वो जानू कहाँ हो तुम? मुस्तकीम साहब, वो नबील तो जानू जानू करता हुआ नीचे आ गया कि कमरे में ना आ जाए, चले चले बाहर चलते। अरे भी बहुत जानू मानू करता है ये। जी फरमाइए। मुस्तकीम साहब, खूबसूरत कहे हमें क्या पता कहा है वो? लेकिन महमूद साहब तो बता रहे थे कि वो जोजी बाजी से लड़ने नीचे आई थी। हाँ आई थी लड़ने, लड़ लिया उसने, मैं नहीं लड़ी। वो पता नहीं फिर अपना वो डब्बा जा लेके इधर कहीं गई है बाहर। अच्छा चले कोई नहीं, मैं कॉल करके चेक कर लेता हूँ, बात कर लेता हूँ, कॉल कर लेता हूँ। जबकि खूबसूरत का फोन बंद करके आए छेती। वाह 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 वाह, अल्लाह आपको जिंदगी दे किसी ना किसी तरह। पेशावर मुजरिम लगी हैं आप। मुस्तकीम जी, छेती चलो। और क्या हुआ पुत्र, नसरीन मिली? ओ नहीं माँ जी, जोजी बाजी कह रही है कि उसके साथ लड़के वो बाहर चली गई थी यार। अरे भाई तो उसे फोन करो ना फौरन। ओ महमूद साहब, किया था यार, लेकिन उसने मेरा फोन ही काट दिया। हाँ तो जरूर वो अपने पियो के पैसे लेके ना तो कल्ले कल्ले शॉपिंग पे गई होगी। हो सकता है यार, कम से कम मेरा फोन तो उठाए ना, मैं उससे कम से कम 2-4 अपनी टी शर्ट ही मंगवाऊंगा, और क्या करूंगा। अरे भैया ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो तुमसे तंग आके अपने पापा के पास चली गई हो। भाई मुझसे तंग आकर क्यों जाएगी, मुझ जैसा शरीफ वफादार खूबसूरत शोहर उसको कहाँ मिलेगा। मेरा ख्याल है आप दोनों से तंग आकर ना चली गई हो। तेरी बीवी मुझसे छुप के शॉपिंग पे गई है, देख लो मैंने सारी चीजें उसकी ले लेनी है फिर। ओ माँ जी आप टेंशन ना ले, मुझे खूबसूरत पर पूरा भरोसा है कि वो हम सब के लिए कुछ ना कुछ लेके जरूर आए। वो जो हम सबके लिए लेकर आएगी वो कुछ ना कुछ होगा। हाँ जी चलो फिर, तो इंतजार हो सकता है। भाई वाह भाई वाह, आज तो खाने का मजा ही अलग है। आप नोशनी फरमाएंगी? नहीं नहीं मुस्तकी, मेरी तो भूख ही मर गई है। वो निक्की जी टी शर्ट वाला फिर आ जाएगा जानू जानू करता, उसे पता ही नहीं कि उसकी बीवी की लाश पड़ी है अंदर। तो क्या बेगम, वो पुलिस बुला लेंगे, हम आपके शायाने शान आपको रुखसत कर देंगे। हमने आपकी शान में एक गजल लिखी है बहुत प्यारी, कहें तो अर्ज करें। हाय मुस्तकीम, चुप चुप, मेरे तो हाथ पैर ठंडे यख हो गए। ओ जोजी बाजी, इस कदर गर्मी है कि महमूद साहब का मुंह लटक गया है, और लेकिन आपके हाथ पांव क्यों ठंडे हो रहे हैं, समझ नहीं आई मुझे। दरअसल ना वो मेरे कमरे का जो एसी है ना वो बहुत ठंडा कर रहा है, दवा दब नस रहा है। अच्छा, लेकिन आप तो बिजली का बिल बचाने के लिए एसी चलाती ही नहीं है। और ये जो मुस्तकीम साहब है ना, ये हमारे बेडरूम के दरवाजे के बिल्कुल नीचे वो चीत होती है ना जो, उसमें लेट के ठंडी ठंडी हवा ले रहे होते हैं। अरे भाई वो क्या है कि जोजी बेगम को हम पे रहम आ गया और उन्होंने हमारे लिए एसी लगा दिया। भाई हम तो कहते हैं बेगम हो तो जोजी बेगम जैसी। वैसे तो मेरी बीवी भी लाखों में एक है, कम ही लोगों को ऐसी खूबसूरत बीवी नसीब होती है महमूद साहब। और मैं महमूद साहब आपको आज दिल की बात बताऊं, मैंने सोच ली है। क्या? जब खूबसूरत आएगी ना तो उसके कदमों में गिरकर मैंने पुराने पापों की माफी मांगी। अच्छी तरह मांगना जरा। अरे भी बरखुरदार, आएगी कैसे? अरे भाई जैसे गई है वैसे आ जाएगी, और कैसे आएगी भाई। महमूद साहब,
मैं जरा ना खूबसूरत को फोन लगाता हूँ। लगाओ भाई, जरा पता करो यार। महमूद साहब, हाँ मुझे वाकई टेंशन होने लगी यार, उसका फोन ऑफ आ रहा है। शहर में बहुत मारपीट हो रही है। हाँ, बहुत ज्यादा। चले आए, चल करें बाहर। आओ जरा देखते हैं बाहर की राय भाई यार। अच्छा तुम फिकर नहीं करो ना मुस्तकी, चलो लाश को देख के आते हैं। अरे लाश को क्या देखना, हमने लाश काउंट से उठ के वॉक करने चली जाएगी। इत्मीनान से खाना तो खाने दीजिए। अच्छा जल्दी तो खाइए, फटाफट कर, मिनट ना ला भाई। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, चश्मे बदूर, मरने के बाद क्या नूरानी चेहरा नजर आता है। और क्या नूरानी, 4 किलो मेकअप थोपा होगा तो चेहरा तो नूरानी लगेगा ना। ला हौले बिल्ला कुव्वता इल्ला बिल्ला, मरने वाले के बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं जोजी बेगम। ओ जी छोड़ो जी, फिलहाल इसे ठिकाने लगाने की सोचे, इधर ही ना दफना दे। अरे भाई कच्चा फर्श होता तो हम खोद के इसको दफना देते, अब ये इतनी टाइलें लगी हुई हैं, हम तो खोदते खोदते फरहाद बन जाएंगे। मेरा ख्याल है हम इसे लॉन में दफना देते हैं। नहीं, इस लाश को कमरे से बाहर नहीं निकाल सकते। फिर एक काम करते हैं, इस कमरे को आग लगा देते हैं, कहेंगे जल के मर गई। कमरे में तो हम दोनों भी हैं। अरे भाई हम बाहर जाके आग लगाएंगे ना दोनों को, एक बंदा अपना भी मरना चाहिए, वरना लोग शक करेंगे कि ये अकेली कैसे मर गई। मुस्तकीम, मैंने हड्डियों का चूरा बना देना, कोई चंगा जहा प्लान नहीं है तुम्हारे पास? अरे भाई बेगम, ढंग का प्लान बनाएंगे हम तो उस तरह आप बच जाएंगे। आप तो चाहते हैं कि मैं फंस जाऊं। अरे हम पे भरोसा रखिए बेगम, हम आपको बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ तो फिर आप ना इस कत्ल का इल्जाम अपने सर ले लेना। देखिए मोहतरमा, हम अब इतने भी पागल नहीं हुए आपके प्यार में, हम आपको बचा के ही दम देंगे। हम ऐसा करेंगे जो ही रात होती है, इस लाश को हम गाड़ी की डिग्गी में डालकर समंदर में फेंक कर आएंगे, और जब मछलियाँ मजा ले ले के खाएंगी इस लाश को तो आपको दुआएं देंगी। हाँ ये ठीक है। अरे हजरात, मिली खूबसूरत? नहीं मुस्तकीम साहब, कहीं नहीं मिली, चप्पा चप्पा छान के मारा है, लेकिन अब तो मेरा दिल डूबा जा रहा है महमूद साहब। अरे भाई सब्र कीजिए, सभी ने जाना है यहाँ से एक ना एक दिन। अरे आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे खूबसूरत मर गई हो। भाई जोजी बेगम की सर की कसम, हमें कुछ भी मालूम नहीं है। अरे हम आपसे कब कह रहे हैं कि आपको कुछ मालूम है यार, पता नहीं मेरी खूबसूरत कहाँ चली गई है, इतनी देर तो मुझसे दूर नहीं रही वो महमूद साहब। अल्लाह आपको जल्दी मिला दे उनसे बस। आमीन सुम्मा आमीन। चलो नबील पुलिस स्टेशन चलते हैं। पुलिस स्टेशन? पुलिस स्टेशन क्यों? अरे क्यों का क्या मतलब है भाई? अरे भाई 3-4 घंटे हो गए हैं, खूबसूरत का कुछ पता नहीं है, मोबाइल उसका बंद जा रहा है, तो हम जाके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट नहीं लिखवाएंगे? अरे भाई हम तो कह रहे हैं कि शाम तक सब्र कर लीजिए, हो सकता है किसी ट्रक के नीचे आ गई हो और आपको उनकी लाश मिल जाए सड़क पे। कैसी बातें कर रहे हैं मुस्तकीम साहब, इतने बड़े ट्रक के नीचे मेरी छोटी सी खूबसूरत कैसे हो सकती है? हाँ वो तो पहियों के बीच में से निकल जाएगी। कैसी बातें कर रहे हैं यार, हालांकि वो मुझे शटम शटम कहते रहती थी पूरा दिन, जलील करती थी मुझे 24 घंटे, और पैसे भी दांतों में से आहिस्ता आहिस्ता निकालती थी, लेकिन फिर भी महमूद साहब कुछ भी हो जाए मैं उसकी इतनी खतरनाक मौत का सोच भी नहीं सकता। हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है नबील, अगर छोटा मोटा कोई हार्ट अटैक हो जाता तो वो अलग बात थी। हाँ जानू। शट अप नबील। यार ना कहे महमूद साहब, शट अप ना कहे, मुझे जानू याद आ रही है। बस हौसला 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 मेरा बच्चा, हौसला हौसला हौसला। नहीं माँ जी, पता नहीं कहाँ चली गई है खूबसूरत मुझे छोड़कर, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकूंगा। अरे ये तुम्हें अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत कब से हो गई नबील? अभी थोड़ी देर पहले ही हुई है यार, फील तो लेने दे रहे हैं। देख पुत्र मैं तुझे बता रही हूँ, ये सब ना उस चुड़ैल का किया तरह है। माँ जी चुड़ैल? किस चुड़ैल का? जो नीचे वाली कोझी चुड़ैल है ना, जिससे तेरी बीवी लड़ने गई थी वो। हाँ नबील, आखिरी बार खूबसूरत यही कह के गई थी ना कि वो जोजी को सबक दिखाने जा रही है। हाँ, और उसके बाद से शकीला गायब है। हो सकता है नबील, अब वो जालिम जोजी जी ने खूबसूरत को अपने कमरे में रस्सियों से बांध के रखा। हाँ, और उसे करंट लगा लगा के टॉर्चर भी कर रही हूँ। इतना जुल्म मेरी मासूम बीवी के साथ। आप लोग चले,
चल के ना उनके कमरे की हम तलाशी लेते हैं। वो जो हमने नीचे चलकर उनके कमरे की लेनी है वो तलाशी है। हाँ जी आ जाओ। मुस्तकीम साहब दरवाजा खोलिए। मुस्तकीम साहब दरवाजा खोल। मुस्तकीम ये तो सारे ऊपर से उठ के नीचे आ गए, आप क्या करेंगे? भैया फिर आइएगा, ये हमारे कैलूले का वक्त है। अरे इस वक्त कौन सा कैलूला भाई? अरे भाई हमारा कैलूला है, हमारी मर्जी, हम जिस वक्त मर्जी कैलूला ले लें। भाई जल्दी से दरवाजा खोलो नहीं तो मुनव्वर ने लात मार के ना दरवाजा तोड़ देने। तुम्हारा सारा कैलूला इधर उधर हो जाएगा। अरे बुलाओ ना मुनव्वर को, दरवाजा तोड़े। आप है ना मुनव्वर? ओ यार महमूद साहब मुंह मार के दरवाजा तोड़े यार। अरे मैं हर बात में मुंह नहीं मारता यार। अरे मैं दरवाजा मत तोड़ना, हम खोल रहे हैं। नहीं नहीं कसम से हम खोल रहे हैं। मुस्तकीम नहीं। किधर है मेरी फूफी? किधर है मेरी? ओ मारी फूफी नहीं यार, बहू। हाँ किधर है मेरी बहू की फूफी? यार महमूद साहब ये गुस्से किसके बने हैं? अरे इसमें तो दो पाँव भी है। हाँ देखो देखो जानो। अरे तो मुझे क्यों मार रही हो? मैंने थोड़ा मारा उसे। जालिमा तुम लोगों ने मेरी खूबसूरत को मार डाला। नहीं जी हमने नहीं मारा, ये कसम से एक हादसा था। अरे कौन सा हादसा भाई? अरे घर के अंदर कोई ट्रक थोड़ा घुस आया। और ये कौन सी बेचारी को हाईवे पे सफर कर रही थी यार? नहीं नहीं ये मुझसे लड़ने आई थी, बदतमीजी कर रही थी मुझसे, गलती से मुझसे ना वो जो गुलदान होता है ना वो लग गया इधर। सालिमो वो तुम लोगों ने गुलदान मार के मेरी बीवी को मार दिया और इसी तरह रखा हुआ है यार। इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। ओए यार दो बर्फ की सिले लगा देते यार, इसको तो जिंदगी में भी बड़ी गर्मी लगती थी। अकीन मानिए हमने कुछ नहीं किया, ये सब किया धरा हमारी बेगम का है। हम जब तक पहुंचे ये तब तक अपना काम कर चुकी थी। गवाही आपने ना कोर्ट में भी जाके देनी है ताकि आप सजा से बच सके। अरे वो रब कतल में आप बराबर के शरीक हैं। ओए बस कर पकड़ दो, बाहर निकलो मुझे। निकाल ले इनका, ले ले दो, चल चल निकलो। मेरी बहू बैठ रे पुत्र चला दे फाड़ दिया किधर। नबील नबील मैं तो कहता हूँ इनसे ना खूबसूरत के खून के बदले भारी सी रकम ले लेते हैं। यार कैसे बेहिस इंसान है यार, वो मेरी बीवी मरी है यार और मैं उसके खून के बदले पैसे ही ले लो। तो पुत्र ऐसा करते हैं कि इसके खून के बदले में ना सोना ले लेते हैं। अरे नबील इसने आज या कल तुम्हें छोड़ ही जाना था, अच्छा है ना? अरे जाते जाते हमारा कोई फायदा कर देगी और वैसे भी इसके मरने के बाद इसके पापा ने हमारा खर्चा वर्चा कोई नहीं उठाना। वैसे ठीक कह रहे हैं महमूद साहब, जानू पर याद बड़ी आओगी तुम। प्रवीण अब मेरे लिए नाश्ता कौन बनाएगा? उठ जा डैन, मुझे नाश्ता बना के दे। ओए प्रवीण ओए मेनू नाश्ता बना के दे, मेरे साथ लड़ेगा कौन? माँ जी उषा बेशा फटे मुंह, ये तो जिंदा है जी। अरे नबील हमने इसे चेक किए बगैर ही रोना धोना शुरू कर दिया यार। महमूद साहब उसे ये सदमा बर्दाश्त नहीं होगा। अरे नबील वो जिंदा है। महमूद साहब इसी का तो कह रहा हूँ कि अब उसे ये सदमा बर्दाश्त नहीं होगा। नबील जोजी आंटी ने मेरे सर पे गुलदान मारा था। हाय गुलदान को कुछ हुआ तो नहीं है ना? गुलदान को कुछ नहीं हुआ माँ जी, मैं जोजी आंटी को कभी माफ नहीं करूंगी। ये चीज जानू तुम उन्हें यही समझने दो कि तुम मर चुकी हो, अब हम उन्हें सबक सिखा के बाज आएंगे। हाँ, अगर जोजी या मुस्तकीम में से कोई आया ना तो फौरन डेड बॉडी बन जाना। हाँ, वैसे भी जानू तुम लाश बनकर बड़ी कयूट लग रही थी। इट्स नॉट ओके जानू। चले महमूद साहब जोजी और मुस्तकीम साहब की खबर लेते हैं। बेगम अगर पुलिस आ गई और उन्होंने हम पे शक किया तो यकीन मानिए हम सरकारी गवाह बन जाएंगे, हमसे मार बर्दाश्त नहीं होगी। और ये भी सुना है कि वो हल्के हल्के करंट भी देते हैं। हाँ मुस्तकीम आप मुझे जेल जाने देंगे? हम आपसे वादा करते हैं बिला नागा आपके लिए गुलदस्ता लेके फूलों का रोज आएंगे आपसे मिलने। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, वेस्ट ओपन कवर चाहिए जी। हाँ जी बिल्कुल।
क्या? 4 लाख रुपया वेस्ट ओपन का बक्का? अच्छा चले मैं कुछ करता हूँ। भाई बरखुरदार आपने कुछ सोचा? कुछ ले दे के अगर मामला खत्म हो जाए तो अच्छी बात है। अरे भाई इसकी बीवी मरी है, इसके साथ इस किस्म की घटिया बातें मत करे आप। जैसे ही तदफीन हो जाएगी ना पुलिस आएगी और जोजी बेगम सीधा जेल में जाएंगी। मुझे माफ कर दे बड़े मुंह वाले भाई, जो चाहोगे वैसा कर लूंगी, मगर ये पुलिस वुल्स को ना बुलाओ। आपको ये घर ना मेरे नाम करना होगा। क्या वो एड्डा वड्डा बंगला तेरे ना कर दे एड्डा, मेरा दिमाग थोड़ी खराब हो गया हूँ। अरे भाई अगर उम्र कैद हो जाएगी आपको तो इतने बड़े बंगले का क्या करेंगी? फिलहाल तो कब्र के लिए 4 लाख रुपया दे आप लोग। 4 लाख की खबर? इतनी महंगी खबर? भाई मैं तो कहता हूँ इतने पैसों में इस लॉन में हम एक छोटा सा मकबरा बनवा देते हैं। क्या मतलब आपका? मैं उसकी लाश को मसाला लगा के ना रख लूं। वैसे मैं मूसा हूं, मुझे ये आइडिया पसंद आया है। एक काम करें चले 10 लाख का चेक दे। 10 लाख? हाँ जी 10 लाख। भाई बड़ी छोटी सी रकम मांग रहा हूँ मैं, अपनी मासूम सी छोटी सी बीवी के लिए छोटा सा ताजमहल बनाऊंगा उसकी याद में, डुप्लीकेट सा। चलिए बेगम अब पैसे ढीले कीजिए, अब बचने का कोई चारा नहीं है। मेरे पास तो 10 लाख है ही नहीं कार में, कोई मिल मिला के 3 लाख रखे होंगे। चले अभी 3 लाख ही दे दे फिलहाल, कम से कम उसमें खाने पीने का इंतजाम तो हो जाएगा ना। लेकिन मैं मूसा मैं आपको बता दूं, मैं कम से कम 3 महीने गरीबों को खाना खिलाऊंगा और वो भी 5 स्टार से। अरे बरखुरदार उसकी आप चिंता ना करें, जितना भी खर्चा होगा खाने पीने का वो जोजी बेगम करेंगी। क्यों बेगम? जी 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 तो लाइए फिर पैसे तो लाइए। जी हम अभी जल्दी आइए जल्दी और कैश का चेक बनाइएगा, और अगर कैश है तो कैश ही ले आइएगा। हाँ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी भले उस बार निकलते हैं। अरे बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए जलता जा। अरे बेगम कहाँ हो भाई? अरे ऐसी खबर लाए हैं कि सुनोगी तो खिल उठोगी। हाय मैंने क्या खिलना है मुस्तकी, 15 लाख का टीका लग गया मुझे। वही तो। अरे भाई हमने अपनी गुनाहगार आंखों से खूबसूरत को देखा। देखा तो उस मीसनी को मैंने भी हजारों बार है, जहर लगती थी मुझे। अरे भाई हमने तो जिंदा सलामत देखा अभी अभी। तो क्या जी हम सच कह रहे हैं आपकी कसम, हमें लगता है इन सब ने मिलके एक साजिश का जाल बुना है आपके खिलाफ। बच्चों ये जोजी को जानते नहीं है, देखना कैसे तक्के दे दे के एक एक को निकालूंगी कार से। लेकिन कोई ऐसा कदम उठाने से पहले इत्मीनान से बैठिए, मीटिंग कर लेते हैं कि करना क्या है। पता है तुम्हें जानू, पूरे 15 लाख रुपए निकलवाए मैंने इन लोगों से। पुत्र मेरे लिए सोने की चूड़ियां निकलवा लेता। ओ मां जी मैं एक मजलूम शौहर की एक्टिंग कर रहा था, डकैत की एक्टिंग नहीं कर रहा था। और वैसे भी ये पैसे जो है ना मैंने खूबसूरत की कफन दफन और इसके मजार के लिए ली। मेरा मजार? हाँ ना, इसने उनसे कहा है ना कि ये बाहर लॉन में तुम्हारी याद में छोटा सा क्यूट सा मजार तमीर करवाएगा। पुत्र फिर तो मैंने भंगड़े डाल ली मजार पे। ओ मां जी हम हर साल खूबसूरत का उर्स कर लिया करेंगे। हाँ, छोटा सा। वो आप लोग भूल रहे हैं मैं जिंदा हूँ। निकी टी शर्ट वाला नीच चढ़ेले उठ अखा खोल, मनु पता है तू जिंदा है। उठ जा ड्रामे ना करो, मेरे मियाँ ने खुद देखा तुम सबको हंसते खेलते। जी बेगम अंदर कैमरा था, मेरा शॉट वहां से इन्होंने लिया। आपा फड़े गए। पैसे मांगिए पैसे। ओए कट पैसे। बाबा 20 से तो खर्चे गए। खर्चे गए तो
पैर चल उस पार चल दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल दुनिया।